जरा पे गुस्सा आता है कि ये आप लोगों ने मतलब धोखा दे के. मोस्टली एक्चुअली संस्कार और स्वरा का कुछ कनेक्शन ही नहीं है मेरे रिएक्शन में. आफ्टर मेरा जब सच बाहर आ जाता है, रिएक्शन सिर्फ लक्ष्य की तरफ है क्योंकि लक्ष्य के सामने सच बाहर आ गया है. और मैं बस जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैंने सिर्फ आपको पाने के लिए, मतलब लक्ष्य को पाने के लिए किया है, उनके प्यार के लिए किया है. पर अब सब के रिएक्शन ये है कि प्यार पाने के लिए इतना गलत करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो अब बस यही है सब कुछ, संस्कार, लक्ष्य और स्वरा की मिली भगत. तो रागिनी का सच सबके सामने आ गया है, मेरा भांडा फूट गया है और ये सब कुछ संस्कार, लक्ष्य और स्वरा की मिली भगत की वजह से हुआ था. वरना रागिनी तो हार मानने वालों में से नहीं है. तो हाँ, सच बाहर आ गया है. अब लोगों के रिएक्शन सिर्फ एक्सेप्ट करने हैं क्योंकि जिसके लिए ये सब किया है वही अब है नहीं साथ में. तो शायद अब रागिनी सुधरे, कुछ अच्छा करे, देखते हैं. तो क्या अब दुख हो रहा है, मतलब इतनी मेहनत की जिसको पाने के लिए, वही अब नहीं है. अपनी बहन से नफरत मोल ली, अपने घर वालों से नफरत मोल ली, बहन से, बहन को मारने तक की कोशिश कर ली. जिस इंसान के लिए ये सब किया अब वही मुझसे नफरत कर रहा है. तो अब कुछ एम ही नहीं है लाइफ में. और अब इनफैक्ट मुझे ये भी, मतलब मैं स्वरा को ये भी बोलती हूँ कि मतलब तुमने सही किया मेरे साथ. मेरा मुझे अब मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए मुझे ऐसे ही किसी झटके की ज़रूरत थी. तो मतलब अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया है और बाकी सब ने जो कुछ भी किया है वो हमेशा से सही किया है. ऑफकोर्स नहीं, रागिनी को तो खुद ऐसे लगता ही नहीं कि वो माफ़ी मांगने की भी लायक है. मतलब ऐसी हरकतें की है कि माफ़ी भी मांगी नहीं जा सकती. मतलब उसे अब खुद से घिन आने लगी है.